कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं, एक बाण प्राण ले सकता है। तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा। कल हम फिर वनस्थली में घूमेंगे, कोमल दूर्वा खाएंगे, खाएंगे ना। मल्लिका अपने को सहेज कर द्वार की ओर जाते हैं। यह आहत हरिण शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई नई आकृतियां देख रहा हूं, राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हम सोएंगे? हाँ, हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी। हरिण शावक को वक्ष से सटाकर कालिदास थपथपाने लगता है, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन में ले आओ। माँ ने दूध औटाकर रखा है, देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगते हैं। अभी अभी दो तीन राज कर्मचारियों को हमने घोड़ों पर जाते देखा है। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। माँ आज बहुत रुष्ट है। कालिदास हरिण शावक को बाहों में झुलाने लगता है। हम पहले से सुखी हैं, हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाण छोड़ते कैसे बना। यह कुलांच भरता मेरी गोदी में आ गया। मैंने कहा तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। सच, माँ आज बहुत रुष्ट हैं। माँ को अनुमान हो गया होगा कि वर्षा में मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीख करना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। कालिदास दूध के भाजन को हरिण शावक के समीप करते हुए कहता है, हम दूध नहीं पियेंगे? नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पियेंगे। राजपुरुष दंतुल ड्योढ़ी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण का मुंह दूध से मिला देता है। ऐसे ऐसे दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल बोलता है, दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं, तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत हरिण को उठा ले आने में तुम्हें तनिक संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कैसे कर पाता? देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। मैं तुम्हारे दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हूँ। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है। तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी? इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो,
फिर भी यह नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। तुम यह सोच कर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर तल पर या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। इसे मुझे दे दो मल्लिका, इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। संभवतः तलवार की मूठ पर हाथ रख उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। मल्लिका, ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निःशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? हाँ हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहां आए। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो रहती है। उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उठाकर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है, उसमें जो दूध शेष है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर हैं जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होंठ दांतों में दबाए दौड़कर उसके निकट आती है। तुमने सुना मां, राज्य उन्हें राजकवि का आसन देना चाहता है। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दिया। तुमने सुना नहीं मां, राजपुरुष क्या कह रहा था? दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूँ। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ मां, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। तुम कितनी निष्ठुर हो मां, तुमने सुना नहीं राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है, फिर भी तुम दूध पी लो और फिर वर्षा में भीगने का मोह न हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। मैं जैसे निष्ठुर हूं, रहने दो। नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो? नहीं, तुमने नहीं कहा। दूध पी लो मां। तुम सोच सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूं। मेरे पास कुछ भी सोचने की शक्ति नहीं है। अब उठ जाने दो, मुझे बहुत काम करना है। उठने का प्रयत्न करती है किंतु मल्लिका उसे रोक लेती है। नहीं, उठो नहीं, इसी तरह बैठी रहो। राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है मां, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को जिसके निकट के लोगों ने आज तक उसे समझने का प्रयत्न नहीं किया, जिसे घर में और घर से बाहर केवल लांछना और प्रताड़ना ही मिली है, अब तो तुम विश्वास करती हो मां कि मेरी भावना निराधार नहीं है? मैं कह चुकी हूं मेरी सोचने समझने की शक्ति जड़ हो चुकी है। क्यों मां, क्यों तुम्हें इतना पूर्वाग्रह है? क्यों तुम उनके संबंध में उदारता पूर्वक नहीं सोच सकती? मेरी वह अवस्था बीत चुकी है जब यथार्थ से आंखें मूंद कर जिया जाता है।
अंदर जाने लगती है। मल्लिका उठकर खड़ी हो जाती है और तुम्हारी यथार्थ दृष्टि केवल दोष ही दोष देखती है। जहाँ दोष है वहाँ अवश्य वह दोष देखती है। उनमें तुम्हें क्या दोष दिखाई देता है? वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा उसे और किसी से मोह नहीं है। इसीलिए कि वे मातुल की गौएं ना हाँककर बादलों में खोए रहते हैं, मुझे मातुल से और उसकी गौओं से प्रयोजन नहीं है। मैं केवल अपने घर को देखकर कहती हूँ, बैठ जाओ माँ। अंबिका को हाथ से पकड़कर झरोखे के पास आसन पर ले जाती हैं। मैं तुम्हारी बात समझना चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ तुम आज समझ लो। तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है, वह भावना क्या है? मैं उसे कोई नाम नहीं देना चाहती, परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में उसका तुमसे भावना का संबंध है तो वह क्यों तुमसे विवाह नहीं करना चाहता? तुम उनके प्रति सदा अनुदार रही हो माँ, तुम जानती हो उनका जीवन परिस्थितियों की कैसे विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है? उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही कैसे की जा सकती थी? और अब जबकि उसका जीवन साधनहीन और अभावग्रस्त नहीं रहेगा, किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। परंतु तुम क्या सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है। कल तुम्हारी माँ का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा उसका तुम क्या उत्तर दोगे? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दोगी यह मेरी नहीं विलोम की भाषा है। माँ आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। आज जब उनका जीवन एक नई दिशा ग्रहण कर रहा है, मैं उनके सामने अपने स्वार्थ की घोषणा नहीं करना चाहती। बाहर से मातुल के शब्द सुनाई देने लगते हैं, अंबिका अंबिका घर में हो कि नहीं? हो घर में ही हो। मैं आज सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूं कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संबंध नहीं है। क्या हुआ है आर्य मातुल? मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इसी दिन के लिए कि यह इस तरह कुलद्रोही बने? परंतु उन्हें तो सुना है राज्य की ओर से सम्मानित किया जा रहा है, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। यही तो कह रहा हूँ, उज्जैनी से कोई आचार्य आए हैं। परंतु आप तो कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा हूँ, आचार्य कल ही से अपने साथ उज्जैनी लेना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। किंतु मातुल दो रथवाह और चार अश्वारोही उनके साथ हैं। मैं तुमसे नहीं कहता था अंबिका कि हमारे प्रपितामह के एक दौहित्र का पुत्र गुप्त राज्य की ओर से शकों से युद्ध कर चुका है? तुम अपने भागिनेय की बातें कर रहे थे। उसी की बात कर रहा हूँ अंबिका। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है और वे वंशावतंस कहते हैं, मुझे यह सम्मान नहीं चाहिए। मल्लिका सहसा उठकर खड़ी हो जाती है, मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूं। वे राजकीय सम्मान को स्वीकार नहीं करना चाहते? मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें क्रय विक्रय की क्या बात है। सम्मान मिलता है ग्रहण करो, नहीं कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का कुछ मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी मूल्य है। मैं समझती हूँ कि उनके हृदय में यह सम्मान कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल कि वह उज्जैनी अवश्य जाएगा। मातुल उसी तरह टहलता रहता, अवश्य जाएगा। वे लोग इसके अनुचर हैं जो अभिस्तुति करके इसे ले जाएंगे। सम्मान प्राप्त होने पर सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय लोकनीति में निष्णात है। यह लोकनीति है तो मैं कहूँगा कि लोकनीति और मूर्ख नीति दोनों का एक ही अर्थ है। फिर टहलने लगता है। जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वह अपना मन बदल भी सकता है, और मन बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। निक्षेप बाहर से आता है, निक्षेप, मातुल आप अभी तक यहाँ हैं और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब तक मैं लौट करना हूँ तुम आचार्य के पास रहना? परंतु यह भी तो कहा था कि आचार्य विश्राम कर चुके हों तो तुरंत आपको सूचना दे दूँ। यह भी तो कहा था किंतु वह भी तो कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया और वह नहीं आया। किंतु क्या मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मुझे मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो। आचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया, मातुल के मुख की रेखाएं वे तृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं। कालिदास की कविता, न जाने इतने बड़े आचार्य को उसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं और तुम लोकनीति की बात कहते हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे, सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, यह समय इस रूप में घर में आने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य हैं, आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। अंबिका कहती है, मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा, कविवर, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होता है। सुनकर रुके, रुककर जलते अंगारे किसी दृश्य से मुझे देखा और बोले, मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हैं, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे पीछे जाऊं या अभ्यागतों को देखूं। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया। किंतु मातुल, मैं तो समाचार देने आया था कि, और मैं समाचार के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया, अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि ये वे कविकुल शिरोमणि जहाँ भी हो उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता, मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सम्मुख प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है, परंतु कालिदास इस समय है कहां? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में। आपने उन्हें देखा है? देखा है, परंतु अपने मातुल से नहीं कहा? आपने मातुल से नहीं कहा? मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। क्यों? क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास? मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसीलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुंह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका, कैसी विचक्षणता है! विचक्षणता ही तो है, इसमें विचक्षणता क्या है? अंबिका, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं, कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है? कालिदास नाटक नहीं कर रहे हैं अंबिका, मुझे विश्वास है कि उन्हें राजकीय सम्मान का मोह नहीं है, वे सचमुच इस पर्वत भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते। नहीं चाहता? मातुल का या किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। मल्लिका को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है, मल्लिका की आंखें झुक जाती हैं। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से संभव है वे ये हट छोड़ दें। अंबिका निक्षेप की अर्थपूर्ण दृष्टि को और फिर मल्लिका को देखती है। हमारे घर में किसी को उसके हट छोड़ने या ना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। थाली लिए चूल्हे के निकट चली जाती है और उन दोनों की ओर पीठ के अपने को व्यस्त रखने का प्रयत्न करती है। निक्षेप, कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार कर वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को राजधानी अवश्य जाना चाहिए। अंबिका व्यस्त रहने का प्रयत्न करती हुई भी व्यस्त नहीं हो पाती, तो उसमें बाधा क्या है? मैंने अनुभव किया है कि उनके हठ के मूल में
कहीं गहरी कटुता की रेखा है। मैं जानती हूँ वह रेखा कहाँ। कुछ समय पहले एक राजपुरुष से उनका सामना हो चुका। उस कटुता को केवल तुम ही दूर कर सकती हो मल्लिका। अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य की कोई हानि नहीं होगी। राजकवि का आसन रिक्त नहीं रहेगा, परंतु कालिदास जो आज हैं जीवन भर वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। जो लोग आज ऋतु संहार की प्रशंसा कर रहे हैं वे भी कुछ दिनों में उन्हें भूल जाएंगे। मल्लिका अपने में खोई सी उठ खड़ी होती है। नहीं, उन्हें इस सम्मान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह सम्मान उनके व्यक्तित्व का है। उन्हें अपने व्यक्तित्व को उसके अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए। चलिए मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर में चलती हूँ। अंबिका सहसा खड़ी हो जाती है। अंबिका, मल्लिका। मल्लिका स्थिर दृष्टि से अंबिका को देखती है। माँ, मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहाँ जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर का व्यक्ति नहीं है अंबिका, यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। माँ, मुझे इस समय अवश्य जाना चाहिए। आइए, आ रहे निक्षेप। बिना अंबिका की ओर देखे बाहर को चल देती। अंबिका की आंखों में क्रोध की लहर उठती है जो पराजय के भाव में बदल जाती है। निक्षेप अंबिका के भाव को लक्ष्य करता हुआ क्षण भर रुका रहता है। क्षमा चाहता हूँ अंबिका। मल्लिका के पीछे चला जाता है। अंबिका कुछ क्षण आंखें मुंदे खड़ी रहती है, फिर घर की वस्तुओं को एक एक करके देखती है और जैसे टूटी सी चौकी पर बैठकर थाली के चावलों को मसलने लगते हैं। आंखों से आंसू उमड़ आते हैं जिन्हें वह आंचल में पोंछ लेती है। प्रकाश कम हो जाता है। अंबिका के कंठ से रुधा सा स्वर निकलता है। अंबिका, भावना, ओह। आंचल में मुंह छुपा लेती है। प्रकाश कुछ और क्षीण हो जाता है। तभी ड्योढ़ी के अंधेरे में अग्निकाष्ठ की लौ चमक उठती है। विलोम अग्निकाष्ठ हाथ में लिए बाहर से आता है। अंबिका को इस तरह बैठे देखकर क्षण भर रुका रहता है, फिर पास चला आता है। विलोम कहता है, घिरे हुए मेघों ने आज असमय अंधकार कर दिया है अंबिका, या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। आश्चर्य है तुमने दीपक नहीं जलाया। विलोम, तुम यहां क्यों आए हो? दीपक जला दूं? विलोम का आना ऐसे आश्चर्य का विषय नहीं है। चले जाओ विलोम, तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ आना मल्लिका को सह नहीं है। जानता हूँ अंबिका, मल्लिका बहुत भोली है। वह लोक और जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वह नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊँ, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरी आंखों में उसे अपने हृदय का सत्य दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यह है कि मैं जो अनुभव करता हूँ स्पष्ट कह देता हूँ। मैं इस समय तुम्हारे दोष अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती। देख रहा हूँ इस समय तुम बहुत दुखी हो। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है। पहले से कहीं दुबली हो गई हो। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती। राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं समझता हूँ उसके जाने से पहले ही उसका और मल्लिका का विवाह हो जाना चाहिए। इस संबंध में तुमने सोचा तो होगा। मैं इस समय कुछ भी नहीं सोचना चाहती। तुम, मल्लिका की माँ, इस विषय में सोचना नहीं चाहते? आश्चर्य है। मैंने तुमसे कहा है विलोम, तुम चले जाओ। कालिदास उज्जैनी चला जाएगा और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, पीछे यहाँ पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? तुमने इतने वर्ष सारी पीड़ा क्या इसी दिन के लिए सही है? दूर से देखने वाला भी जान सकता है इन वर्षों में तुम्हारे साथ क्या क्या बीता है। समय ने तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया। तुमने तिल तिल करके अपने को गलाया। क्या मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो? और आज जबकि उसके लिए जीवन भर के अभाव का प्रश्न सामने है, तुम कुछ सोचना नहीं चाहते? तुम यह सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं अनुरोध करती हूँ कि तुम इस समय मुझे अकेली रहने दो। विलोम, मैं इस समय अपना तुम्हारे पास होना बहुत आवश्यक समझता हूँ अंबिका। मैं ये सब बातें तुमसे नहीं, उससे कहने के लिए आया। आशा कर रहा हूँ कि वह मल्लिका के साथ अभी यहाँ आएगा। मैंने मल्लिका को जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यहीं उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूँ।
कालिदास कहता है, अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ, किस समय और क्यों मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी वृत्ति दूसरी है। उस वृत्ति ने संभवतः छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। निसंदेह तुम छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया। सुना मैंने भी है। तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत। एक मित्र के बिछोड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाओगे। मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ, आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही लौट जाना चाहते हैं। राजधानी के वैभव में जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे? सुना है वहाँ जाकर व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाता है। वहाँ के जीवन में कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय और तरह तरह के विलास भूमियां। मल्लिका, आर्य विलोम, यह समय और स्थान इन बातों के लिए नहीं है। मैं इस समय आपको यहाँ देखने की आशा नहीं कर रही थी। मैं जानता हूँ तुम इस समय मुझे यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो, परंतु मैं अंबिका से मिलने आया था। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी। यह कोई ऐसी अप्रत्याशित बात नहीं है। विलोम का कुछ भी करना अप्रत्याशित नहीं है। हाँ, कभी कुछ न करना अप्रत्याशित हो सकता है। यह वास्तव में प्रसन्नता का विषय है कालिदास, कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह समझते हैं। निसंदेह मेरे स्वभाव में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छिपा हो। क्षण भर कालिदास की आंखों में देखता रहता। विलोम, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम, हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। निसंदेह सभी विपरीत एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। विलोम, अच्छा है तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। मैं उस निकटता के अधिकार से तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? संभव है फिर कभी तुमसे बात करने का अवसर ही ना प्राप्त हो। एक दिन का व्यवधान तुम्हें हमसे बहुत दूर कर देगा ना? वर्षों का व्यवधान भी विपरीत को विपरीत से दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारा अभिप्राय समझ नहीं सका। मेरा अभिप्राय है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। मल्लिका झरोखे के पास से उधर को बढ़ाती है। आर्य विलोम, मैं इस प्रकार की अनर्गलता क्षम्य नहीं समझती। अनर्गलता? अंबिका के निकट आ जाता है कालिदास, दो एक पग दूसरी ओर चला जाता है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? अंबिका अव्यवस्थित भाव से उठ खड़ी होती है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ। अंदर की ओर चल देती है। ठहरो अंबिका। अंबिका रुक कर उसकी ओर देखती है। आज तक ग्राम प्रांतर में कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है। मल्लिका एक पग और आगे आ जाते हैं। आर्य विलोम, आप उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि कालिदास यह स्पष्ट बता दे कि उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है? या मल्लिका, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूँ कि बाध्य है, परंतु संभव है कालिदास का अंतःकरण उसे उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? कालिदास मुड़ पड़ता है। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूँ। तुम दूसरों के घर में ही नहीं उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश कर जाते हो। अनधिकार प्रवेश? मैं? क्यों अंबिका? तुम्हें कालिदास की यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है कि मैं विलोम दूसरे के जीवन में अनधिकार प्रवेश कर जाता हूँ? मैं कह चुकी हूँ मुझे इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी यह बात कहाँ तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया? चलो ग्राम प्रांतर में चलकर किसी से भी पूछ लें। विदग्ध दृष्टि से उसे देखता है, फिर अग्निकाष्ठ के पास जाकर उसे आधार से हाथ में ले लेता। तो तुम अपने अंतःकरण से भी मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हो। संभवतः प्रश्न ही ऐसा। तुम कुछ भी अनुमान लगाने के लिए स्वतंत्र हो। मैं इतना ही जानता हूँ कि मुझे ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाने का तनिक भी मोह नहीं है। निसंदेह
तुम्हें ऐसा मोह क्यों होगा? साधारण व्यक्ति को हो सकता है, तुम्हें क्यों होगा? परंतु मैं केवल इतना जानना चाहता था कि यदि ऐसा हो, क्षण भर के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि तुम जाने का निश्चय कर रहे हो, तो उस स्थिति में क्या उचित नहीं कि मल्लिका उसके और कालिदास के बीच में आ जाते? आर्यविलोम आज अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। मैं बच्ची नहीं हूँ, अपना भला बुरा सब कुछ समझती हूँ। आप संभवतः यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ इस समय एक अनचाहे अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह अनुभव करने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। तुम मुझसे घृणा करती हो मैं जानता हूँ, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता। मेरे यहाँ होने के लिए इतना ही पर्याप्त। और एक बात कालिदास से भी करना चाहता था। तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूँ। तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है, यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है। अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी आ पहुंचे, तब के लिए भी क्षमा चाहते हो। व्यंग्य के साथ मुस्कुराकर चला जाता है। कालिदास क्षण भर मल्लिका को देखता रहता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। मल्लिका फिर उदास हो गए। देखो तुम मुझे वचन दे चुके हो, फिर एक बार सोचो मल्लिका। प्रश्न सम्मान और राज्याश्रय स्वीकार करने का ही नहीं है, उससे कहीं एक बड़ा प्रश्न मेरे सामने है, और वह प्रश्न मैं हूं ना। यहां बैठो, तुम मुझे जानते हो ना। तुम समझते हो कि तुम इस अवसर को ठुकरा कर यहां रह जाओगे तो मुझे सुख होगा। मैं जानती हूं कि तुम्हारे चले जाने से मेरे अंदर को एक रिक्तता छा लेगी। बाहर भी संभवतः बहुत सूना प्रतीत होगा, फिर भी मैं अपने साथ छल नहीं कर रही। मैं हृदय से कहती हूँ तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हूँ तुम इस समय अपनी आंखें देख सकते। मेरी आंखें इसलिए गीली हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम यहाँ से जाकर भी मुझसे दूर हो सकते हो। यहाँ ग्राम प्रांतर में रहकर तुम्हारी प्रतिभा को विकसित होने का अवसर कहाँ मिलेगा? यहाँ लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, वे सामान्य की कसौटी पर तुम्हारी परीक्षा करना चाहते हैं। विश्वास करते हो ना कि मैं तुम्हें जानती हूँ? जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तुम घिर जाओगे। मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती, इसलिए कहती हूँ जाओ। तुम पूरी तरह नहीं समझ रही मल्लिका, प्रश्न तुम्हारे घेरने का नहीं है। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं कई सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और यह मेघ है, यहाँ की हरियाली है, हरिणों के बच्चे हैं, पशुपाल हैं। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊँगा। यह क्यों नहीं सोचते कि नई भूमि तुम्हें यहाँ से अधिक संपन्न और उर्वरा मिलेगी? इस भूमि से तुम जो कुछ ग्रहण कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे।